چشمه تو رک دیا تھا نا میں نے آج آپ نے وہ سوال پوچھا ہے مسلم صاحب جو میں خود اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھتا ایکشن آج آپ نے مسلم صاحب مجھ سے وہ سوال پوچھا ہے جو میں خود اپنے آپ سے کبھی نہیں پوچھتا ایسا نہیں ہے کہ مجھے اپنے وطن کی یاد نہیں آتی بہت یاد آتی ہے 20 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو میرے پاس ایکشن مسلم بھائی وہیں کھڑے ہیں اپنی پوزیشن پہ بالکل ایکشن مسلم صاحب ایک بچہ تھا اس کی ماں گزرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی ایک دن باپ نے پوچھا بیٹے تمہاری پہلی ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہیں بچے نے کہا کہ یہ ماں اچھی ہیں تو باپ نے کہا کیوں بیٹے پہلی ماں کیوں اچھی نہیں ہے بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ پہلی ماں جھوٹ بولتی تھی بچے کی اس بات پہ باپ کو بڑی حیرت ہوئی پوچھا بیٹی کیسا جھوٹ بچے نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ نا یار ماں کہا کرتی تھی وہ ایسا مگر یہ میں ایسے تھا اب میں ٹرن ہوں گا ہے نا اب انہوں نے بولا نا یہ ایسے لیا تھا نا مسلم بھائی نے کہ آپ کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دیجیے معافی چاہتا ہوں چلو بیٹے کریں گے نہیں نہیں مسلم بھائی مسلم بھائی کہہ رہا کر رہے ہیں رکو ایک منٹ ہے ہاں ہاں چلو چلو ایکشن صحیح تو ہوں میں لائٹ صحیح نہیں ہے بھائی ایکشن نہیں نہیں مسلم صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے معافی کی کوئی ضرورت نہیں پردیس میں ایسا تو کوئی ہے جو میری زندگی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے آج کی دنیا میں وہ نہ کس پہ وقت رکھا ہے کہ کوئی کسی کو پلٹ کر بھی دیکھے اچھا اچھی نہیں لگ رہی بھابھی ٹائی سر تم ادھر اس اینگل پہ اور کیا ٹھیک ہے نا لوکنگ گڈ لوکنگ نائس ایکشن ابھی اسی وقت موبیلائزیشن موبیلائزیشن کوئی بات نہیں پھر سے لو ہاں نہیں نہیں مسلم بھائی ہنسنا نہیں ہے بہت زبردست یہاں پرفارمنس چاہیے مجھے ارے عبداللہ بھائی آپ چپ چاپ بیٹھے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے تو نہیں نہیں انٹیلیجنس نہیں ہوتا کمپنی کے موبیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کون سا ہوتا ہے کمپنی میں موبیلائزیشن اے تھوڑا سا ادھر ہو بس چلو جی ٹیک ایکشن ابھی اسی وقت کوئی بات نہیں ابھی اسی وقت موبیلائزیشن ڈپارٹمنٹ کو فون کرو موبیلائزیشن کہہ دیا فلم بن گئی
एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को फोन करो और डैनी के फ्लैट की तलाशी लो और जो भी उसके अंदर मिले। बहुत बेहतरीन आ रहा था। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन के डिपार्टमेंट को फोन करो। फिर से लेंगे। और मुस्लिम भाई जरा गुस्से में और ऊंची आवाज में बोले। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन के डिपार्टमेंट को फोन करो। मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को फोन करो और उनसे कहो कि डैनी के फ्लैट की तलाशी लें और जो भी कीमती चीज मिले उसे फौरन यहां लेकर आए और उसके फ्लैट को सील कर दें। ठीक है ना, टेक करेंगे। हाँ मुस्लिम भाई बहुत गुस्से में है। मुस्लिम भाई बहुत गुस्से में है। हाँ, और हाथ के एक्सप्रेशन से भी और वैसे गुस्से में बहुत। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट क्यों तुम खुद आओ या कोई और वर्ड ढूंढ लो। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइज कोई बात नहीं फिर से लो। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को फोन करो। चलो जी खड़े जाओ। आगा ये हो गया। चलो जी फिर से लेंगे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो ही विल डू, नो प्रॉब्लम। एक्शन। अभी इसी वक्त मोबिलाइजेशन कोई बात नहीं फिर से बोल दें। बोल दें गुस्से में, हंसो नहीं मुस्लिम भाई, हंसी नहीं बिल्कुल भी। मोबिलाइजेशन डिपार्टमेंट को फोन करो और उनसे कहो कि डैनी के फ्लैट की तलाशी लें और जो भी कीमती चीज मिले उसे यहाँ ले आए और डैनी के फ्लैट को सील कर दें। इधर इधर हसन अब्दुल्ला भाई काम, मतलब ये ठीक है एंजॉय करो, मगर काम के वक्त डिस्टर्बेंस तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए बैठने के बाद आप इनको ऑर्डर दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि रानिया प्रोजेक्ट के तमाम कागजात और ड्राइंग्स लेकर आएंगे। ठीक है, और बहुत ही सीरियस मूड में है आप, समझे, बहुत ही संजीदा उसमें, सिर्फ आपका ये डायलॉग। इसी बीच में हारिस आएगा पानी लेकर के, ऑफिस बॉय, और आप पानी लेंगे और वो पानी पिएंगे। ठीक है, दूसरे ग्लास में भी पानी होगा, उस वो आपके लिए ऑफर करेगा लेकिन आप इशारे से मना कर देंगे क्योंकि आप बिल्कुल पैसे ठीक है। ओके ठीक है, तो आप बाहर से आए हैं। ठीक है, आपका पीए साथ में है। साजिद आप इधर आइए, सीन को समझ मेकअप इधर ही है, मेकअप हो गया। आपके पीए साथ में है, आप आके बैठ गए, वो दिन के सीन है, हम बाद में शूट करेंगे। Looking very nice. Dressing man. लाते हुए या ऐसे करके यूज करते हुए बोलिएगा। सवाल कर रहे हैं आप, थोड़ा सा थोड़ी सी गर्मी है, गुस्सा हल्का सा वो। हाँ एक्शन। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? नहीं अभी वो बात नहीं, पेपर को भी यूज करें, मैंने क्या कहा। एक्शन। आपकी इन्वेस्टि फिर से कोई बात नहीं ना प्रॉब्लम। पेपर को यूज करते हुए, मतलब पूरा आप तवज्जो आप उस सेक्रेटरी पे देंगे। ठीक है एक्शन। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? फिर से एक और बार लीजिएगा। पेपर को इनकी चेहरे की तरफ लाके ऐसे। एक्शन। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? नहीं मतलब इनकी तरफ ऐसे कर रहे हैं ना, अपनी तरफ नहीं मत उठाइए, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं आप, जैसे अभी बताया था। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? एक हाथ से बस। एक्शन। आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? टेक करें। हाँ
एक्शन जो हमने उन गरीब नहीं कोई बात नहीं जो हमने उन गरीब मजदूरों को दिया था और नीचे देख के नहीं बोलेंगे आप जब बोलना शुरू करेंगे तो हारिस की तरफ देख के बोलेंगे वरना ऐसा लगेगा स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहे हैं पहले देखें उसको और उसके बाद बोलना शुरू करें बस यहाँ से ले लें जो हमने उन गरीब मजदूरों को दिया था जो हमारी कंपनी में खून पसीना बहाते हैं मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहाते हैं ये बोल दें बस और इसकी तरफ देख करके तब बोलना शुरू करेंगे स्क्रिप्ट पे नहीं देखेंगे सही है ओके एक्शन जो हमने उन गरीब मजदूरों को दिया था जो हम हाँ आज और चलते हैं हाँ चलो इधर कहाँ एक्शन हाथ हिलाना क्या नहीं बस ऐसे बोलना हाँ या ऐसे हाथ के इशारे से यू मे गो नाउ हाँ एक्शन यू मे गो नाउ जोर से यू मे गो नाउ इतना ऊंचा हाथ में उठाइए हल्का सा बोलिए यू मे गो नाउ यू मे गो नाउ देखिए अब आप ऐसे बैठे हैं ना ठीक है पेपर देख रहे हैं ऐसे पेपर देखते में वो आ गया आपका सेक्रेटरी जिसको बुलाया थे आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची मतलब पेपर को यूज कर रहे हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची ये सही है और पूरी मतलब बॉडी लैंग्वेज भी आनी चाहिए ये नहीं कि बस ऐसे ये पेपर ऐसे ये गर्दन हल्की से आपकी इन्वेस्टिगेशन ऐसे नहीं आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची ये पेपर को भी ऐसे कहाँ तक पहुंची ऐसे जरा लगे अच्छा कुछ कागजात आपके हाथ में है वो हम दे देंगे वहाँ से ठीक है ना इसको आप रीड कर रहे हैं रीड करते हुए फिर उसके बाद आप हमसे एक बटन दबाएंगे प्लीज कमें और फिर इसमें बिजी हो जाएंगे पेपर देखेंगे ये शॉर्ट आके बंद करिए नहीं अगर करो तो ढंग से फायदा क्या मूवी का दिखाओ ना थोड़ा सा जरूर इधर तो कर रहा हूं हाल आ रहे हैं बिल्कुल अंग्रेज से लग रहे हैं बिल्कुल बोलना मत दी अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा ये तो बिल्कुल निखरते जा रहे हैं क्या बात बारिश थोड़ा लाइट आगे करो पूरा लो जी पूरा मेकअप कर आंखें बंद करो थोड़ी आईब्रो बनाओगे वो शूटिंग के वक्त कर लेंगे कोई मसला नहीं वैसे भी तुम्हारा इसमें बहुत बोल्ड वो है रोल पहले मैं रात में जमीन आसमान ऊपर जब से लग हुआ पिटेगा भी यहाँ माथे पे देना है ये पसीने का इफेक्ट देने के लिए बस ठीक अभी रुको लेके जाओ नीचे लाइए ग्लास ये बात लगाओ मुझसे लगाओ नजरें नीचे अब ऊपर देखो सामने आपसे किसने कहा आगे बढ़ने के लिए अच्छा आगे नहीं बढ़ना आगे नहीं बढ़ना है वहीं खड़े होके बोल रहे हैं ये बताया था कि खड़े चलो चलो चलो, चलो दोबारा से लेंगे खत्म कर लिया दोबारा से लेंगे दोबारा बिल्कुल टाइट शॉट एक मिनट आंखें नीचे रखो जब मैं बोलूं आंखें ऊपर करो नजरें अभी अभी रुके
एक मिनट आप पीजिए, नीचे नीचे आंखें रखें, अब आंखें ऊपर उठाएं और देखें, बोलें वेलकम वेलकम। मेरी तरफ क्यों देख आओ, तब नजरें उठाना, अभी नहीं, एक्शन, नजरें उठाइए। वेलकम वेलकम। बढ़े क्यों आगे यार, बढ़ो नहीं बाबा, एक कदम भी नहीं बढ़ना है आपको। नजरें नीचे रखें, नीचे तो है, नजरें नीचे। देखो भाई अब कोई बात ना करे, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, है प्लीज कीप क्वाइट, एक्शन। वेलकम वेलकम एक्शन। वेलकम माय फ्रेंड, अब भी हो गया आगे, एक्शन। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, एक्शन। बोलते हुए आइए, एक्शन। मैं भी बोलूंगा, आप बोलो क्या बोलना मुझे। वेलकम माय डियर, कम 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 माय फ्रेंड्स, ये बोले इधर रखना है हमारी तरफ। अच्छा अच्छा, एक्शन। जोश नहीं है आवाज, जोश में ना हूं। हाँ आप बिल्कुल गिरी गिरी सी आवाज में बोल रहे हैं, आपको जरा सा अच्छा, वन बाय वन बंदे को बिठाना है, एक साथ बिठाते रहो, वो बिल्कुल नेचुरल लगे, नेचुरल बस लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, फिर रिटर्न आना है। हाँ हाँ नहीं, आप वहाँ बैठ, जब बिठा के बोल देंगे ना, अभी तो ये बंदा बैठेगा, उसके बाद फिर रिटर्न आऊँ मैं। नहीं नहीं वहीं खड़े रहेंगे यार, पीछे क्यों आएंगे, इनको आना है। हाँ इनको, ये लोग आते जाएंगे ना, आतिशबाजी तो होने दो, आवाज बहुत आ रही है, एक्शन। मैं अपनी जूली के लिए डायमंड का हार लाया हूँ, कैसा लगा आपको? एक्शन। एक्शन। चलो फिर से लो, कोई बात नहीं, पड़ जाएगा, मैंने वो हाथ बना बना दिया, फिर से लो, अभी रुको सर्वर, हो जाएगा। एक्शन, कट इट। अब उठाइए, उठा के लाइए, एक्शन। इधर मुझे क्यों, मैं अपनी जूली के लिए हार लाया हूँ, आपको कैसा लगा? Very nice, excellent. Got it. आप साइड हो जाना। हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज की क्वाइट, एक्शन। मैं अपनी जूली के लिए, एक्शन। मैं अपनी जूली के लिए डायमंड का हार लेकर आया हूँ, आपको कैसा लगा? Very nice, excellent. Got it. Thank you, बोलो. Thank you. Got it. Action. मैं अपनी जूली के लिए डायमंड का हार लेके आया, आपको कैसा लगा? Very nice. Thank you. Got it. Action. लेकिन कोई बात नहीं जूली, तेरे डैनी ने जहाँ भी तेरे बर्थडे का इंतजाम बड़ी धूमधाम से करने का। वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा है, वल्ला बहुत अच्छा रहा है, फिर से बोलो, फिर से रिपीट इंतजाम किया हुआ है। लेकिन कोई बात, अभी रुको, एक्शन बोलूंगा जब। कीप क्वाइट, एक्शन। लेकिन कोई बात नहीं जूली, तेरे डैनी ने जहाँ भी तेरे बर्थडे का धूमधाम, नहीं फिर से लेंगे इतना, एक्शन। जूली कोई बात नहीं, तेरे बर्थडे मना भैया, कोई बात नहीं, एक्शन। हेलो जूली, नहीं एक मिनट, प्लीज। हाँ बोलो, क्या बोलना, मेरे शर्म जरा दे, आज डैनी दिल खोल कर डांस करेगा अपनी जूली के लिए, एक्शन। आज डैनी दिल खोल कर डांस करेगा अपनी जूली के लिए, एक्शन। जूली तेरा ये गिफ्ट 9 लाख का हार आज अपन के, कट इट, नो, एक्शन। जूली तेरा ये हीरो का गिफ्ट 9 लाख का हार, फिर से लो,
मैं अपने एक्शन जूली जोर से जूली गॉड ने आज के दिन नहीं जूली गॉड ने तुझे आज के दिन जमीन पर अपुन के लिए उतारा। दोबारा बोलो। हाँ बोलो। जूली जोर से जूली गॉड ने अपुन के लिए आज के दिन तुझे जमीन पर उतारा। हाँ, फिर इसको जरा सीधे सही तरीके से बोलो। जूली तुझे गॉड ने आज के दिन तुम गलत बताते हो कभी बहुत गलत। अरे बाबा सीधा जुमला बोलो ना। जूली तुझे गॉड ने आज के दिन तुझे हाँ चलो अपन के लिए इस जमीन पर उतारा। बस ये आप ये कहना चाह रहे हो ना कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर तुझको आज के दिन आज को जो पैदा किया आज के दिन चलो अपन के लिए पैदा किया। जोड़े तो आसमान पे बनते हैं ना, वो वाली बात है इसमें। ठीक है ना। थोड़ा हाथ को ऊपर रखो, कभी हार को देख के बोलो। एक्शन जूली आज के दिन गॉड ने जमीन पर तुझको मेरे लिए उतारा। जोर से बोलो और रुक रुक के नहीं रुक रुक के नहीं बोलो। ओके थैंक यू। एक्शन हाँपते हुए बोलो। थैंक यू माय फ्रेंड। मैंने अपनी जूली के लिए आतिशबाजी का भी इंतजाम रखा है। आओ आपको बाहर दिखाता हूँ। नहीं अभी देखो वो जोश नहीं था। देखो देखो नहीं नहीं देखो सीन अगर अच्छा हो जाए तो उसमें आप ही की तारीफ होगी, मेरी थोड़ा ही होगी। ठीक है अब आप ये बोल के हाँ चलो इसे बंद कर लो, कोई मसला नहीं। गेट इधर का बोला सही है। हाँ हाँ लेकिन थोड़ा और आवाज में कड़कपन एक जरा सा जोश। इधर नहीं टर्न होना, उधर टर्न होना। नहीं इधर अगर टर्न भी होने तो ये उतार के ऐसे फेंकना है आपको गले में से। ये उतारेंगे ना अपना ये, क्योंकि वहां पर बगैर दुपट्टे के खड़े थे ना बाहर। हो गया है तो वो सीन समझ गए ना, इसको फेंकना है कि इधर से ये अब्दुल्ला भाई अंदर दाखिल होंगे। ठीक है आप सामने से एकदम ये ऑफिस में अंदर आ गए हैं बिना इजाजत के। तो आप चूंकि ऑफिस में यहाँ जाहिर पिए हैं ठीक है, तो एकदम से इनको देखेंगे और गुस्से में बोलेंगे आप कैसे आए अंदर किसकी इजाजत से। ठीक है ये आपका फिलहाल हम सुनिए। मेरा सिर्फ यही है। हाँ इस वक्त फिल्म वक्त आपका ये डायलॉग यहाँ से शुरू होगा, वहाँ से तेजी से आएंगे और उनके पास आगे खोलेंगे। किसकी परमिशन से आप अंदर तो शुरू चलिए बाहर बाहर निकलिए। ओके थोड़ा सा आपका मूड खराब है, गुस्से वाले मूड में आप। प्लीज कीप क्वाइट। डायरेक्टर आप हैं, आप हैं तो समझा दो फिर सीन को क्या करना है इसके अंदर। हाँ मतलब हारिस की तरफ को देखना है, हारिस की तरफ को देखना है ना। यहाँ साजिद खड़े होंगे ठीक है। डायलॉग समझ गए ना क्या है। देखो एक हफ्ते के एक बाद देखो एक हफ्ते के बाद मैं महीने के लिए एक महीने के लिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मुझे हर हालत में एक हफ्ते के अंदर अंदर उस आदमी का नाम चाहिए। आगे भी है कुछ बोल सकते हैं आगे और लंबा। जिसने वो पैसा खाया है यहाँ तक कर लो बस। हाँ यहाँ तक वो पैसा खाया है। हाँ एक हफ्ते के अंदर अंदर उस आदमी का नाम चाहिए। सही है वो पैसा खाया है बस। ठीक है ना किस आदमी का नाम जिसने वो पैसा खाया है। ठीक है बस यहाँ तक, फिर दूसरे एंगल से हम फिल्माएंगे। ओके हाँ शॉट ले रहा हूँ मैं। हाँ अब अब्दुल्ला भाई लाइट थोड़ी सी ऊपर रखें। हाँ हाँ बस सही है, थोड़ा नीचे नीचे ऊंची आवाज में बोलिएगा। ऊंची आवाज में। हाँ एक्शन मुस्लिम जोर से मुस्लिम बोले जल्दी 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 रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है जोर से। मुस्लिम मैं बहुत मजबूर नहीं फिर से जब मैं एक्शन सोहन नहीं सोहन नहीं है? मैं बहुत मजबूर हूँ। तुम्हारा शोहर बहुत मजबूर है कैसे नहीं 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 डायलॉग तो मैंने लिखा है वो ही रहेगा। मुस्लिम तुम्हारा शोहर बहुत गरीब और मजबूर है। फिल्म है ये, इसे पर्सनल मत लीजिए। एक्शन मुस्लिमा तुम्हारा शोहर बहुत मजबूर है। क्या क्या कहूँ उम्मीद ध्यान नहीं आ रहा। एक्शन
बेगम खुर्शीद तो फिफ्थ क्लास में आए, यहाँ मुस्लिमा बोलेंगे। ओए होए जरूरी है। हाँ मुस्लिमा जरूरी है भाई, शरीके हाथ मजाक बात थोड़ा ही। मुस्लिमा खुर्शीद अपना बेटा अब माशाल्लाह फिफ्थ क्लास में आ गए हैं। एक्शन। मुस्लिमा माशाल्लाह अपना बेटा फिफ्थ क्लास में आए। खुर्शीद नहीं, फिर से बोले, फिर से कैसे? मुस्लिमा खुर्शीद माशाल्लाह साहबजादे फिफ्थ क्लास में आ गए हैं। कैसे हैं पढ़ाई में साहबजादे? मुस्लिमा खुर्शीद ये बोले। एक्शन। मुस्लिमा खुर्शीद साहबजादे कैसे हैं पढ़ाई में? फिफ्थ क्लास में वो आए हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है उसकी अभी? उससे भी कहना बहुत मेहनत करो, नंबर वन होना है पढ़ाई में उसको। उसके साथ ज़रा ध्यान से उसे बिठा के पढ़ाओ, ऐसे नहीं कि इधर खेले कूदा फिरे, वो इधर उधर नहीं फिरे जाते, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे। ओके एक्शन। अब जमीर बाबा आप नहीं, फिर से लेंगे जमीर। अब आप दुबई जाके अपनी मशीनरीज लाने का इंतज़ाम शुरू कर दें, इंशाल्लाह इसी महीने से आप सब कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से काम शुरू करेंगे, फिर से लेंगे एक और। बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं करना, नहीं, या तो जूम करो। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जमीन अब आप दुबई जाके अपनी मशीनरीज लाने का इंतज़ाम शुरू कर दें, क्योंकि इसी महीने से आपको एक्शन। अब आप दुबई जाके अपनी मशीनरीज लाने का इंतज़ाम शुरू कर दें जमीर, क्योंकि इसी महीने से आपको सब कॉन्ट्रैक्टर। अब आप परेशानी के हालत में हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं, परेशान हैं, ये चेहरे पे आप लेकर आइए तासुर, और जैसे मैंने डायलॉग बताया वैसे आप बोले आमिर भाई मैं ऐसे करके। हाँ चलिए, हिले नहीं आप, ज़्यादा मूव ना करें, अपनी जगह खड़े होकर बोलें, ठीक है? और थोड़ा गिलास को ऊपर कर लें हल्का सा, बस। एक्शन। आमिर भाई आप तो जानते हैं कि मेरे वाली साहब और आपके वाली साहब एक बहुत अच्छे दोस्त थे। कट इट। और नज़र यहीं रखेंगे जहां है अब आपकी। एक्शन। आमिर भाई आप तो जानते हैं मेरे वाली साहब और आपके वाली साहब एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं आपके बंगले पर एक मदद लेके लिए आया हूँ। कट इट। नहीं, एक बहुत अच्छे दोस्त बोला आपने। हाँ, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, ऐसे बोलेंगे। ओके, इसीलिए मैं आपके पास आपके ऐसे हाथ को, मतलब ये हाथ जो ऐसा लग रहा है। एक्शन। आमिर भाई आप तो जानते हैं मेरे वाली साहब और आपके वाली साहब एक बहुत अच्छे दोस्त थे। एक नहीं बोलेंगे, दोस्त थे। एक्शन। आमिर भाई आप तो जानते हैं मेरे वाली साहब और आपके वाली साहब अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैं आपके बंगले पर मदद के लिए आया हूँ। आगे मुस्लिम भाई की तरफ देखो। हाँ, मेरी तरफ नहीं, ठीक है? ओके एक्शन। सर मेरे इन्फॉर्मर पे डैनी के कुछ आदमियों ने गोली भी चलाई है, और वो बचता बचा था मुझ तक बड़ी देर में पहुंचा है। और देर में नहीं, सॉरी, कट इट। एक्शन। सर डैनी को मुजरिम साबित करने में ये फाइल बड़ी मददगार साबित होगी, इसलिए हमें इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और हमें इसको पूरा इसके ऊपर। कोई बात नहीं, कोई। एक्शन। सर कोई बात नहीं, फिर से ले। हाँ, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। सर ये डैनी को अरेस्ट करवाने के लिए, सर इसमें डैनी की तमाम असलियत है गबन के बारे में, उसको मुजरिम साबित करने के लिए इस फाइल में तमाम असर है। एक्शन। सर ये डैनी को पकड़ने में बड़ी मददगार साबित होगी। एक्शन। सर ऐसा मैंने क्या किया है सर? मैं एक सेकंड, मेरे एक्शन कहने के जरा सा रुको ना, दो सेकंड। एक्शन। सर मैं बेकसूर हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। एक्शन। सर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं बेकसूर। बताओ बताओ, एक बार बताओ। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सर, ठीक है ना? ठीक है, सर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा वैसा कोई नहीं। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सर। एक्शन। सर मैं बेकसूर हूँ,
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। एक्शन सर, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ सर। एक्शन सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो हो गया वो तो हो गया। मैं अपनी नौकरी सीधे से सर, मैं अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। मैंने एक एक्शन सर, मैं अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, मैंने एक रियाल भी नहीं खाया, जो भी खाया मेरे बॉस ने खाया। एक्शन सर, मैंने एक रियाल भी नहीं खाया, मैं अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। एक्शन सर, मैं अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, मैंने एक रियाल भी नहीं खाया। एक्शन मजबूरी मत कहो, बल्कि ये कहो कम से कम नहीं, कोई बात नहीं फिर से लेंगे ठीक। चलो मजबूरी नहीं, लाइट मैनों का भी ले लिया। पता चले ना कितने एफर्ट्स लगे पिक्चर में। चलो एक्शन मजबूरी मत कहो, बल्कि ये कहो कि हिंदुस्तान से जब हम आते हैं कम वक्त में कम से कम पैसा। नहीं तुम लोग, हम नहीं, तुम तो मजदूर। एक्शन गुस्से में हा? बहुत गुस्से में बोलना है। गुस्सा ही परेशान कर रहा है। अंदर से गुस्सा बनाना पड़ेगा ना। अभी तो कहता हूँ जा। चलें जी, टेक करेंगे। एक्शन तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर 3 मिलियन रियाल का गबन किया है, जैसे ही यूरोप से वो लौटेंगे दोबारा मिला। एक्शन तुमने और तुम्हारे बॉस ने मिलकर 3 मिलियन रियाल का गबन किया है, जैसे ही वो यूरोप से लौटेंगे ऐसा ही असर उनका होगा जैसा तुम्हारा होने वाला है। परेशानी तो नहीं है गंजा होने से, परेशानी तो होती है, लेकिन जब सर पे हाथ फेरता हूँ तो ये नहीं पता चलता कि माता कहाँ। ऐसा तो भी आया था, अभी तैयार ना हो। उधर उनके नाई मीना सिरका करते हैं ना, थोड़ा सिरका उधर इधर इधर देते हैं सिरका, बाल बना लिए। हाँ सिर पे भी थोड़ा कॉटन लगा दे। लाइट मैन का भी तो लो तो अच्छा, हमारा कोई काम ही ना आज में। ये जो ना लाइट नहीं जो सबसे बेकार है, सही आ रहा हूँ आज कर सीन फिल्माने जा रहे हैं, ये अच्छी तरह समझ लें कि इसमें है क्या। इसके अंदर ये है कि इन्होंने, ये जो इनके सेक्रेटरी हैं साजिद साहब ने आपको फ़ोन करके बुलवाया है हारिस से, ऑफिस बॉय चूँकि आपको जानता है। अब आप ये समझ कर आए हैं, आप ये एक्सप्रेशन रखें और ये तासुर रख आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप की आपकी इंक्रीमेंट के सिलसिले में आपको बुलाया है, ठीक है। आपका मूड चूँकि वो गबन की वजह से जो आपके पैसे, हाँ ये दरवाज़ा लगा दो यार, बच्चों की आवाज़ आ रही है, बंद करो इसको दरवाजे, उसको भी करो और इसको भी बंद करो। आपका मूड बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है सर, लेकिन चूँकि इनके कहने से कि ये चूँकि ये एम्प्लॉय बहुत पुराना है, ये जो अब्दुल्ला नाम का आदमी है। अरे यार भाई दरवाज़ा बंद करो यार, कर रहा हूँ ना, ये वाला बंद करके अंदर आ जाओ, ये बंद करके अंदर आओ शाइबर। तो इन्होंने कहा है कि मैं उसको बुला रहा हूँ और आप बातों बातों में उससे मालूम करिए, क्योंकि वो बहुत पुराने और ज़्यादातर लोगों को जानता है कंपनी के, कि ये आखिर किसका काम है, उसको कुछ ना कुछ सुराग ज़रूर होगा, उसको पता होगा। तो आप का मूड बिल्कुल सही नहीं है और आप उनको इस तरह से आप मिलने के लिए तैयार हो गए। तो अब पहले सीन में, हेलो पीछा, पहले सीन में ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इनसे, बॉस से,
अब हम जो फिल्माने जा रहे हैं सीन वो यही है कि इसमें ये साजिद आपको लेकर आएंगे बॉस के पास और यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे कंपनी के मालिक से मुस्लिम साहब से, ठीक है, हमजा कंपनी, ठीक है, और इतना सीन हम फिल्माएंगे, उसके बाद फिर आगे बात चलेगी। एक्शन। चलो भागो। साथ में आओ, आओ भागते हुए। हाँ अब यहाँ रुकना, आके भागते हुए आओ, रुक जाओ अभी, चला ना, अभी रुक जाओ, ये कौन आ रहा है? एक्शन। भागो, पोल के पास रुको। तुमने चलाई क्यों नहीं? चलो एक शॉट मुझे चलाओ। हाँ फ्राइम भागो। आओ भागो, चलाओ। सर सर ये फाइल है डैनी की। एक्शन। सर सर ये डैनी की फाइल। रुको। एक्शन। सर 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 ये डैनी की फाइल। कीप क्वाइट। एक्शन। सर ये फाइल। एक्शन। सर 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 ये फाइल। एक्शन। सर ये फाइल। एक्शन। सर फाइल। एक्शन। सर सर ये फाइल। आगे आगे हाथ रखो सीधा। हाँ वहीं खड़े रहो। अच्छा, खड़े रहो, खड़े रहेंगे। हाँ चलिए। सर ये डैनी के फ्लैट से मुझे फाइल मिली है, उसमें उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। एक्शन। सर उसके आदमी ने मेरे ऊपर गोली भी चलाई, बहुत बहुत वो यहाँ तक आया हूँ। ओके ओके वेरी गुड। ओके थोड़ा फाइल। एक्शन। सर डैनी के आदमी ने जब मैं एक्शन को फौरन मत बोलो यार। ओके एक्शन। सर डैनी के आदमी ने मेरे ऊपर गोली चलाई, बस तो यहाँ तक आया हूँ। दीजिए सर फाइल। ओके ओके यू कैन गो नाउ। एक्शन। साजिद कुछ ही देर में आमिर साहब पहुंचने वाले हैं। इतनी ज्यादा नहीं हिलाइए, नेचुरल हिलाए, मतलब चलो ठीक समझ, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती हाथ को। नहीं नहीं यार तुम अपना काम करो, समझ गया। चलो फिर से टेक कर। एक्शन। साजिद कुछ ही देर में आमिर साहब आने वाले हैं, हारिस को बोलो आमिर साहब की पसंद वाली चाय बनाकर तैयार रखें। साजिद की तरफ देखें। साजिद की तरफ कहें। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है। कोई बात नहीं, फिर से लेंगे। उनका यही एहसान ही बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन। साजिद सीधे खड़े रहो, हिलो नहीं। हिला मत। एक्शन। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि अपने बिजी शेड्यूल को निकालकर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। बेटी बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर निकाल फिर से लेंगे, कोई बात नहीं। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। फिर एक और बार बोलिए, साफ समझ में नहीं आ रहा। बिजी शेड्यूल, सुकून से बोलिए। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि मेरे कहने पर बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर
यहाँ आ रहे हैं। वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ आ रहे हैं। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है मेरे। कोई बात नहीं, फिर से अगेन, कोई बात नहीं, बोले। उनका यही एहसान बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर, फिर से बोलें, कंटिन्यू रखें। उनका यही एहसान बहुत है। कोई बात नहीं। उनका यही एहसान बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। दैट्स इट, इतना बोलना है आपको। साजिद की तरफ देखें। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि वो उधर वो आ रहा है, उधर पीछे क्या आ रहा है, उधर साया कोने पे आ रहा, नहीं आ रहा, चले वो तो साया आ रहा है कोने पे, नहीं आदमी का लाइट ऊपर उठाओ, छोड़ो उसे, ये साया इनका मुस्लिम भाई का है, मुस्लिम भाई का है, क्या आ रहा है, चले चले मैं खत्म करूं, तुम करो अपनी बात, डायलॉग बोलो, चले एक जगह लाइट रखें बस, सही है। साजिद को देखें, आई कांटेक्ट साजिद को दें। एक्शन। उनका यही एहसान बहुत है कि वो बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। एक्शन। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो। उनका यही एहसान बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल बोले 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 उनका यही एहसान बहुत है कि वो अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर मेरे कहने पर यहाँ आ रहे हैं। एक्शन। हाँ वो सर, कोई बात नहीं, लो फिर से। हाँ जो भी मैं तुमसे मालूम करे वो ठीक ठीक उनको बता दे, मैं जरा भी नहीं निकालना। मुस्कुराओ नहीं साजिद, क्या नहीं, सीरियस हो जाओ, सीरियस सीरियस मेरी गोली, सीरियस हो जाओ। हाँ चलो। एक्शन। हाँ बिल्कुल सही सुना है, ये बेहतरीन। एक्शन। अभी अभी अब्दुल्ला ने भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी अब्दुल्ला ने भी अपने बयान के जरिए डैनी के ऊपर उंगली उठाई है। एक्शन। अभी अभी अब्दुल्ला ने भी अपने बयान के जरिए डैनी पर उंगली उठाई है। वेरी। एक्शन। अभी इसी वक्त डैनी को मुझे यहाँ चाहिए, किसी भी हालत में। ओके सर, ओके सर। Cut it. Action. अभी इसी वक्त डैनी मुझे यहाँ चाहिए। ओके सर। वेट वेट वेट। एक्शन। आमिर भाई, मैंने रात दिन दुबई में रात दिन मेहनत करके 5 साल मेहनत करके बैंक से 4 मिलियन दिरहम 17% इंटरेस्ट पर लिए थे। काट दो। आमिर भाई अभी रुको, फिर बोलो। आमिर भाई मैंने 17 साल नहीं क्या है सुनो। आमिर भाई मैं 5 साल दुबई में मैंने मुझे देख कर रहे हैं। एक्शन। आमिर भाई मैंने रात दिन मेहनत करके दुबई में 5 साल मेहनत करके आमिर भाई मैंने दुबई में 5 साल मेहनत करके रात दिन मेहनत करके कट इट। एक्शन। आमिर भाई मैंने दुबई में रात दिन मेहनत करके 4 मिलियन का कर्ज लिया था 17% पर, इसलिए आगे ऑफिस में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं और आप टी बॉय को आवाज़ देंगे, वो जैसे ही आएगा उससे कहेंगे ठंडा पानी लेकर आइए, जब वो लाएगा तो ये दे रहे हैं जो कई बार आपके ऑफिस में विजिट कर चुका है। ठीक है, आपको मालूम है कि वो इनको जानता है और कैंप में साथ रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में उसको अब आपको बुला, ठीक है ना, समझें, तो अभी ये इनको पता नहीं है कि ये किस लिए बुला रहे हैं, ये समझ रहे कि हाँ उनको इंक्रीमेंट के ही लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये इतना सा सीन फिल्माएंगे अभी। ठीक है, आप अपना लैपटॉप पर बैठ पड़ रही है, उधर से वाइट पड़ रही है, चेहरे का कलर चेंज हो रहा है, तो वो इसलिए उसके लिए। तो इसमें यहाँ पर खाली आपको उस बुजुर्ग को बुलाना है और सारी इन्फॉर्मेशन
ये जो अब्दुल्ला है उनके बारे में आपको इनसे अपनी टीम इधर ले आओ। चलिए आप उसको बुला रहे हैं धोखे से, धोखा इन द सेंस के जो गबन हुआ है आपको ये ख्याल है कि चूंकि वो बहुत सीनियर है और उसको तमाम नॉलेज इस तरह की होगी कि किसने, चूंकि वो इनसे मिलने के लिए बेताब है परेशान है, हा? तो वो फौरन दौड़ा चला आएगा ये सोच करके शायद वो इंक्रीमेंट के लिए मुझे बुला रहे हैं कि मेरी जो दरख्वास्त है उस पर गौर किया जाएगा। ठीक है, तो आप उसको सिर्फ इसलिए बुलाना चाह रहे हैं कि उससे पता चले डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बाकी 90% कहाँ गए। ठीक है, और वो किसने कि मैं उनको क्यों बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, अपने बॉस को आप एक्सप्लेन करेंगे कि मैं उनको क्यों बुलाना चाह रहा हूँ, और वो कई बार ट्राई भी कर चुका है, उसकी जितनी भी ट्राई है जितनी भी कोशिश है इनसे मिलने की इनको पता नहीं है, वो सिर्फ आपको पता क्योंकि आप उसको बाहर से बाहर ही भेज देते हैं, बाहर मिलने नहीं देते। ठीक है, लेकिन अब एक्शन। लेकिन उसमें खुशी का एक फूल भी नहीं मिलता सर। गॉट इट, ये एक तो आप बिग बॉस से बात कर रहे हैं, उससे ऐसे बात करेंगे यूं करके। एक्शन। आपको हर जिंदगी अपनों की आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी और अपनों की फिकर में तड़पती नजर आएगी। अरे भाई इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, सीधा कर दो। क्या सीधा कर दो, फिर राइटर पागल है फिर वो जो लिखता है राइटर। चलो कोशिश करो। आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी और अपनों की फिक्र में तड़पती नजर आएगी। अरे यार खामोश रहो। चलो जी उधर देखें मुस्लिम भाई इनको। आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी और अपनों की फिक्र में तड़पती नजर आएगी, बस इतना बोलना है। एक्शन। आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी तड़पती हुई नजर आएगी। अरे यार अपनों से दूरी और अपनों की फिक्र में। चले फिर से लेने। एक्शन। आपको हर जिंदगी फिर आपने कागज को उनकी तरफ मारा। अब्दुल्ला भाई ये ऑफिसर है, मालिक है कंपनी का, एहतराम। एक्शन। सर आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी और अपनों की फिक्र में तड़पती नजर आएगी। एक्शन। आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी दूरी और अपनों की फिक्र में तड़पती नजर आएगी। एक्शन। सर आपको हर जिंदगी अपनों से दूरी जिंदगी है। एक्शन। सर आपको हर जिंदगी अपनों की दूरी और अपनों के तड़प में नजर आ। क्या बोल रहे हैं, क्या आपको हर जिंदगी हाँ अपनों से दूरी और अपनों की फिक्र में तड़पती नजर आएगी, ये इतना बोलना है। एक्शन। उनकी तरफ देखें, मेरी तरफ कोई ना देखे। एक्शन। और सर एक आप रोके ना उनको, रोको ना। एक्शन। और सर एक मिनट, वेरी बास्टर्ड। नहीं नहीं नहीं। एक्शन। और सर एक मिनट, ब्लडी बास्टर्ड साजिद। एक्शन। और सर एक मिनट, ब्लडी बास्टर्ड साजिद। एक्शन। डेनी का बैंक अकाउंट और इनकी जिंदगी भर की सर्विस बेनिफिट्स सबको फ्रीज कर दो, क्योंकि इनकी बकिया जिंदगी जेल में गुजारनी है। ओके ओके सर। एक्शन। डेनी का बैंक अकाउंट फिर से अटके थे आप। एक्शन। डेनी का बैंक अकाउंट और इसकी जिंदगी भर की सर्विस बेनिफिट्स सबको फ्रीज कर दो, जिंदगी भर की सर्विस बेनिफिट्स को फ्रीज कर दो। चलो फिर से ले।
एक्शन। डैनी का बैंक अकाउंट और इसकी जिंदगी भर की सर्विस बेनिफिट्स सबको फ्रीज कर दो, क्योंकि बाकी जिंदगी को इसको जेल में गुजारनी है। ओके। एक्शन। कोई एग्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको और ना ही आपको ना ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा, आगे नौकरी पर रखा जाएगा। अब आप फारिग हैं, बस अब आप फारिग हैं, टेक करते हैं। एक्शन। कोई एग्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको ना ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा। एक्शन। कोई एग्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको और ना ही आपको नौकरी पर रखा जाएगा। आप फारिग हैं, आप जा सकते हैं। वेरी गुड। एक्शन। हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन में अब रख लें दोनों हाथ। हाँ, वहीं खड़े रहे, दीवार से ना लगे अभी। हाँ, गुड, वेरी गुड। वहीं अभी और झुकिए एक बार, और दर्द की शिद्दत में और झुकिए थोड़ा। हाँ, ये अब दीवार से लग जाइए। गुड गुड। अब नीचे गिरिए, गिर जाइए नीचे, लेट जाइए। बहुत मजबूत आदमी है, आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल। चलो कट इट। ओके। एक्शन। दलदल एक मूवी, नहीं फिर से नहीं। ओके। ये फिल्म दलदल परदेश की जिंदगी की अक्कासी करती है। असल में मेरा कोई इरादा नहीं था फिल्म बनाने का, फैसल। फिल्म के जहाँ बहुत सारे हिस्से होते हैं, मसलन एडिटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट्स और मेकअप, सेट्स, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जिसका हमने शायद पहले जिक्र नहीं किया, वो है फोटोग्राफी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि किसी भी फिल्म के लिए अगर कहा जाए कि बैकबोन क्या होती है, तो वो उसकी स्क्रिप्ट होती है। लेकिन फोटोग्राफी वो आंख है जिसके ज़रिए हम पूरी दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हल होती है। सब होने दो जरा। अच्छा, फिल्म मेकिंग में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट का डिपार्टमेंट है यानी राइटिंग का, और मेकअप का है, सेट्स का है, एडिटिंग है, डबिंग है, ये सारे अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन जिसका मैं जिक्र करना पहले भूल गया था, नहीं यहाँ से नहीं लेंगे, फिर से लेंगे। एक्शन। जी, दलदल जो कि एक मूवी सऊदी अरब में जो है बन रही है, बनी है यार, एक मिनट रुको रुको रुको। चलो। अच्छा चलो। अरे एक्शन। एक्शन जी। बिस्मिल्लाह। दलदल जो के एक फिल्म सऊदी अरब, यार एक्शन। ये दलदल के रिलेटिव
जो दलदल फिल्म बनी है इसमें बहुत ही एफर्ट्स हुई है, एफर्ट लगी है अहमद साहब की, और सब स्टाफ ने मिल के काफ़ी कोशिश की है इसको अच्छी बनाई जाए। तो अहमद साहब की काफ़ी एफर्ट के बाद 1.5 साल के अरसे में ये कंप्लीट हुई है। तो अहमद साहब ने ही इसको, और इधर देख के बोलेंगे, तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जितने भी एक्टर्स हैं वो फ्रेश हैं, उनको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती थी, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और इस फर्स्ट एक्सपीरियंस की वजह से अमर साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है हमें सिखाने के लिए, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक्शन, इस फिल्म की खूबी ये है कि इसमें सारे एक्टर फ्रेश हैं और मैं ख़ुद भी फ्रेश ही हूँ, फर्स्ट टाइम इस मूवी में काम कर रहा हूँ। और अहमद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें डायरेक्ट किया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इस फिल्म। सही। एक्शन। ये नहीं हो पाएगी। एक्शन। ये नहीं हो पाएगी। हो जाएगी, हो जाएगी। ट्राई करो। बड़ी बड़ी शूटिंग कर दी हमने 3-3 बजे तक। नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, बोलें सर। ऐसा करो, मैं अकेला देता हूँ, तुम तीनों बाहर जाओ। रियली बिलीव मी। नहीं 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 नहीं, तीनों बाहर जाओ, मैं अकेला देता हूँ, और फिर बाद में अभी देख लेना, अभी देख लेना यार। रियल दिखाना। नहीं, रियल रियल। तो अगर वो बैठे भी, एक मिनट के बाद बैठे भी हैं तो सामने शूटिंग ना करिए भाई। अब अच्छा, मुझे पता, पूरी रात लगाया तूने बात। अरे भाई, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये बात जमीर की सही है, ये बात माननी पड़ेगी जमीर, इसलिए कि उसने नया होकर के और कोई हेजिटेशन शो नहीं किया कि साहब सबके सामने दिया। खलास साहब, नहीं तो ऐसा ऐसा कर लो, तुम्हें परेशानी क्या है। जमीन, वो क्या नाम है तुम्हारा, साजिद? साजिद, भूल जाओ कि यहाँ कोई बैठा है। वो इंग्लिश के अल्फाज जो मैं निकालना चाह रहा हूँ, निकलेंगे नहीं। निकलेंगे, निकलेंगे, निकल पाएंगे, निकलेंगे यार। क्या, कौन सी अलग डिक्शनरी है तुम्हारी इंग्लिश की, कौन से अल्फाज निकाल? ऐसा करो ये इन तीनों एक्शन। रिगार्डिंग दलदल, दिस फिल्म इज रियली फंटास्टिक फिल्म, एंड this film produced by Mr. Aamir Khan, and I can say this film is totally dip, I can nahi nahi, dobara action. Regarding Daldal, this film is directed by Mr. Aamir Khan, and this film really I can say very fantastic film. And this film totally based on a broad story. And what's the life in abroad? Totally expressed by Mr. Aamir Khan. And regarding dialogues and regarding script, screenplay, and script. This script is provided. Action. Regarding Daldal, this film is really fantastic film, and this film produced by Mr. Aamir Khan. Produced, directed, and written. Action. As all of you know, we have no any experience in acting, and the Mr. Aamir Khan is totally depressing to me to perform in this film. Depressing to me? ये क्या कह रहे हो? आमिर खान आपको depress कर रहा है? हाँ, भाई मैं नहीं 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 नहीं, गलत बोले, फिर से लो, चलो। आमिर खान is not going to depress in the acting. He's a director. Being a director, he's appreciate your work and he push your work in the connection of the acting. इसको निकाल देना, फिर इसमें से कैमरे में से निकाल दो इसे। हाँ चलो, अभी निकालो इसे। अरे हो जाएगा। नहीं नहीं, इसे कैमरे में से। चलो ना। नहीं, इसे कैमरे में से निकालो। चलो चलो। नहीं, इसे कैमरे। अरे हो जाएगा, वो एडिटिंग में संभालूंगा मैं। नहीं, वो फिर अभी यहाँ दिखा दोगे ना इसको। अरे चलो ना यार, ना अंग्रेज तुम हो ना मैं हूँ, दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज, वी हैव टू टेक द एज अ लैंग्वेज, इट इज नॉट अवर मदर टंग, सो व्हाई यू आर गेटिंग सीरियस? Okay. Okay, just only. Okay. Yeah, take it very easy.
अभी अभी आगे क्या मतलब क्या एक्टिंग में लाना है क्या मतलब हाँ क्या अब आपको यही बोलना है कि जस्ट व्हेन एवर वी स्टार्टेड गिव द एनी शॉट्स एंड ऑब्वियसली बीइंग ए न्यू कमर आई रिसीव द लॉट ऑफ रीटेक्स विच इज यू नो इट्स इट वाज द नेचुरल बीइंग ए न्यू कमर्स एंड वी बीइंग ए फ्रेशर एक्टर so Amir bhai doesn't have mind regarding that and he tackle with the love and with the very politely ab itna thoda hi bol payenge yaar ha ऐसे मतलब चलो मैंने आपको एक बता दिया एक आपको बता दिया अब इस तरह से आपको यानी ये बात कहनी है आप अपने वर्ड में बोलिए as well as you know the english regarding that okay चले yes action अभी नहीं बन पा रही बात अभी थोड़ा टफ हो रहा है आपके आपके रीटेक्स के बारे में बोलिए कि किस तरह से हैंडल करते थे रीटेक्स वी गॉट लॉट ऑफ रीटेक्स एंड मिस्टर आमिर खान नेवर एंग्री टू अस व्हेन एवर वी आर वी फील नर्वस ही इम्प्रूव Our acting always, and he never. समझ रहे ये तो आपको एक बात कहनी है अपनी from your side, from your heart, है ना? You are just explaining your experience. You are just sharing your experience in the shooting. What you got the experience? Just only you have to express to the pupils. Okay. Just okay, tell me. Yes, action. Regarding regarding the retakes, we always used to very much retakes and lot of retakes, 10 times, 15 times, so many times. You know, but being a director, being a good director, Mr. Amir Khan has took the very politely the situations, very politely and very easy, and he always you know, appreciate our work. Either we are giving the good shot or bad shot. He never shows that you are very, 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 bad in the acting. Action. As well as concern retakes, we have lot of retakes sometimes, 10 times, 20 times. But Mr. Our director, Mr. Amir Khan, is never angry to anyone. And he encourage our all time he encourage our acting and we can say his work is really unbelievable what we don't have to express I don't want to action wait action regarding my colleagues which is participating in this film is like Mr. Muslim Mr. Mr. Abdullah Mr. Haris all are really they are all are new but abhi nahi bana बोलो बोलो आएगा आएगा नहीं आ रही आएगा नहीं आ रही आएगा ना अभी काटो इसे एक्शन रिगार्डिंग माय कोलीग्स लाइक मिस्टर अब्दुल्ला मिस्टर मुस्लिम एंड मिस्टर हारिस रियली ऑल दे आर ऑल फ्रेश इवन दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन पास्ट बट रियली ऑल Action. Regarding my colleagues, like Mr. Abdullah, Mr. Muslim, Mr. Haris, they all are fresh, and they don't have even in past they don't have any experience also, but as well as his all this actor, hesitation. अरे यार सही They took very good work from them. ठीक है. बंद कर, बंद कर, बंद कर. Action.
as well as my colleagues like Mr. Abdullah, Mr. Muslim, Mr. Harris, they all are newcomers. And Mr. Amir taken nahi ban pa rahi nahi ban pa rahi baat hai agar likha hua hota na to main ek minute mein ek ek are to isme likhne ki kya ye to aap apni taraf se bolna hai na yaar nahi apni taraf se bolna hai theek hai lekin kehna hai wo baat ban nahi pa rahi hai kyunki इस सब्जेक्ट पे कभी बोले नहीं ना बात ये है अरे यार तो इसमें बात तो वही कहनी है जो आपने देखा है या जो हुआ है समझ रहे हो ना आप मैं बता तो रहा हूँ ना आपको बार बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि मिस्टर अब्दुल्ला है मिस्टर मुस्लिम हैज वर्क वेरी वेरी फैंटास्टिक वेन एवर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट बोथ आर ऑल्सो न्यू कमर्स बोथ आर फ्रेशर्स बट Mr. Amir have done lot of work on him and they took the very good performance from them. And I would like to tell that both are freshers, both are also giving the retakes. But whenever they perform performance on that time, if you will see that they are very fantastic in the acting. Bas, itna bolna hai. Action. Hum ek daldal film mein kaam kar rahe hain. एक नहीं एक्शन और ये जो दलदल फिल्म है एक परदेश के ऊपर बनी है फिल्म और आमिर भाई ने माशाल्लाह मुतासिर होकर इसमें हम लोगों से काम कराया है परदेश से मुतासिर होकर हाँ। लिखी एक्शन और ये फिल्म जो दलदल परदेश से मुतासिर होकर ये फिल्म लिखी है आमिर भाई ने और एक सीन जो दिया है आमिर भाई ने माँ से मुतासिर होकर माँ की मोहब्बत माँ एक्शन ये जो फिल्म है दलदल परदेश से मुतासिर होकर ये फिल्म लिखी है आमिर भाई ने और इसमें अलग अलग सीन दिए हैं आमिर भाई ने एक सीन है माँ की मोहब्बत की और एक सीन जो मेरा है वो आपको काफ़ी पसंद आएगा उसके ऊपर आमिर और सब लोगों को इसका मैसेज मिलेगा कि सूद के ऊपर आमिर भाई ने हमको इसमें सीन दिया है हमारे लिए और फिल्म देखना और इंशाल्लाह पसंद आएगी बोलूं हाँ शुरू बोले तो काट लोगे ना हाँ वो तो मैं काट लूंगा थोड़ा ऊंची आवाज में हाँ सुन यार थोड़ा सा रुकते रहता हूँ मैं हंसी पहले दिलवा दो ये इंटरव्यू में हंसी दिलवा दो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम काट दे रहे थे शुरुआत तो होगी अच्छे चलो इसे कट करो कट करो जोर से बोलना मुझे आवाज एक्शन इस फिल्म का नाम दलदल है जो कि आमिर साहब ने काफ़ी मेहनत और तागुदो के बाद बनाई है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है स्क्रिप्ट राइटिंग में एक्शन अस्सलाम वालेकुम ये फिल्म दलदल ना एक्शन अस्सलाम वालेकुम ये फिल्म दलदल बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है जो कि आमिर भाई ने बहुत ही मुख्तसर अगर समय बनाई है और ये इनकी काविशों का नतीजा है कि इन्होंने ये फिल्म दलदल आमिर भाई की बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है जो कि इन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसे में बनाई है कि किस तरह शॉट लेना है इसमें एडिटिंग डबिंग और वीडियो एडिटिंग तकरीबन आमिर भाई ने की है इसके अलावा जब आमिर भाई ने खुद ये फिल्म कहेंगे इसको जहाँ आमिर भाई का रोल था उन्होंने खुद ये एक्टिंग जब इन्होंने की तो बैकग्राउंड में जब हमने जब ये मूवी बनाई तो काफ़ी इन्होंने हमें बताया कि इस तरह करना है कंट्रोल करना है नहीं हुआ ये एक्शन
ना क्या जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से हरी र